हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए भुट्टे की मंगोड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी लगती है। इसे मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊँगी और साथ ही में मैं कुछ आपको टिप्स भी दूँगी। सो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। चलिए मंगोड़ी मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच खड़ा धना, 1 चम्मच जीरा और मैं लूँगी यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ। इसको हमको अच्छे से सेकना है, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। यह हमको स्लो फ्लेम पर ही सेकना है, यह बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। चलिए देखिए, हमारा ये मसाला सेक गया है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको दरदरा कूट लूँगी। इसका हमको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमको इसको दरदरा ही रखना है। दरदरा रहने से ये हमारे मंगोड़ी में अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए हमारा दरदरा हो गया है, मैं आपको चम्मच में लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा ये दरदरा मसाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। यहाँ मैंने एक भुट्टा ले लिया है, इसका मैंने ऊपर का छिलका निकाल दिया है। अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। देखिए मैंने चाकू से कट का निशान लगा लिया है। मैं इसको तोड़ दूंगी। हमको इसके दाने निकालने हैं। कट करने से हमारे बीच से दाने अच्छे से निकल आते हैं। ये देखिए, अब हम अंगूठे की सहायता से इसके दाने निकाल लेते हैं। ये बहुत इजीली निकल आता है। देखिए यहाँ मैंने भुट्टे के सारे दाने निकाल लिए हैं। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। इसका हमको दरदरा ही पेस्ट रखना है, इसका हमको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और इसमें हमको पानी भी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि कॉर्न में ऑलरेडी पानी होता है। ये देखिए दरदरा पेस्ट बन चुका है, हमको इतना ही दरदरा रखना है, इसका ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ जिससे हम अपने दूसरे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। चलिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चावल का आटा। चावल के आटे डालने से हमारी मंगोड़ी बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा बेसन। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती। हमें इसी सभी मसालों को मिक्स करना है। अब मैं डालूँ इसमें थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस डालने से हमारी मंगोड़ी ज़्यादा तेल नहीं सोखेगी। मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार। हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं डालूँगी इसमें ड्राई मंगोड़ी पाउडर। इसका इसमें बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है मंगोड़ी को। इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसकी मंगोड़ी बना लूँगी हाथों की सहायता से। अब मैं देखिए, हमने तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें मंगोड़ी डाल रही हूँ। मैं इसको उंगलियों से ड्रॉप कर रही हूँ मंगोड़ी को। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी मंगोड़ी डाल ली है। अब मैं इसको पलट दूँगी। इसको हमको अच्छे से पलटते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देना है। मैं यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहूँगी कि हमारा तेल अच्छा गरम होना चाहिए। अगर हमारा तेल गरम नहीं होगा तो मंगोड़ी अच्छी नहीं बनेगी। हो सकता है ये फैल जाए हमारा मसाला और या फिर ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर ले। तो मंगोड़ी के लिए हमारा तेल अच्छा गरम होना चाहिए और मंगोड़ी हमको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। देखें हमारी मंगोड़ी सिक गई है, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब हम दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच में बैटर लिया है और दूसरे चम्मच से मैं इसको ऑयल में गिरा रही हूँ। यह बहुत इजी होता है बनाना। ये देखिए 1 चम्मच से मैं बैटर ले रही हूँ और दूसरे चम्मच से उसको गिरा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारी मंगोड़ी मैंने डाल दी है। इसको हमको बीच बीच में पलटते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी मंगोड़ी हमारी बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस गर्मा गर्म मंगोड़ी को चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
यह बहुत ही बढ़िया लगती है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप भी वैसे ही ट्राई करेंगे तो गारंटी है कि आपके किचन में भी वैसे ही बनेगी। फ्रेंड्स, अगर ये आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।